उत्तराखंड के श्रीनगर में अंकिता भंडारी हत्याकांड के खिलाफ अंकिता के परिजनों की ओर से किया जा रहा आंदोलन अब उग्र रूप लेने जा रहा है। दरअसल वीआईपी की गिरफ्तारी, तत्कालीन एसडीएम और यमकेश्वर विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर अंकिता के माता पिता, सरकार, प्रशासन, कोर्ट, हर जगह का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के परिजनों का लगातार साथ दे रहे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष नेगी को SC ST एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद परिजनों और श्रीनगर के लोगों का आक्रोश बढ़ गया और आक्रोशित लोगों ने इस दौरान थामे सरकार का पुतला दहन किया। पीपल चौड़ी के समीप NH 58 पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ विशेष प्रदर्शन किया। की लड़ाई, एक बहन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी पे सरकार ने मुकदमा कर दिया है, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि सरकार उनको तो गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिनको हमने कहा था कि ये जो VIP है और रेणु बिष्ट है और प्रमोद कुमार SDM है, इन पे सरकार क्यों नहीं मुकदमा करती, इनको क्यों नहीं अंदर करती। और जो एक बेटी की लड़ाई निष्पक्ष से कर रहे हैं, मतलब एक अच्छे उससे कर रहे हैं कि मतलब कि बेटी को न्याय मिले, और सिर्फ अंकिता को ही न्याय न मिले बल्कि हमारी उन बेटियों को न्याय मिले जो अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो ये कहाँ का अन्याय, यहाँ ये कहाँ का न्याय है जो उन्होंने मेरे भाई को आज गिरफ्तार कर दिया। ये मैं DGP से कहना चाहूँगी, ये उनके उनको मेरी ये चेतावनी है कि आपने ये काम करके बहुत गलत किया है, आपने उस माँ के साथ इतना गलत किया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। पहले ही आपकी सरकार ने मुझे इतने दुख दिए हैं कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती। आपने इतने जुल्म किए हैं कि एक मेरे बेटे को, जिसने इतना लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला पोसा और 19 साल की मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया होगा, अपना पेट काट काट कर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया ना, सरकार ने मुझे उसका मुंह तक नहीं दिखाया। और आज जो आज सरकार ने मेरे भाई को जेल में बंद करके सबसे बड़ा अन्याय मुझ पर किया है। जितने भी माँ उन्हें बच्चों को जन्म दे उसका अपमान है, और हम पुलिस से प्रार्थना करते हैं कि VIP को पकड़े, आज तो समर्थन नहीं है, शरम आनी चाहिए हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को, जिसको पकड़ते पकड़ना चाहिए तो वो फिर ही घूम रहा है, और जिसको नहीं पकड़ना चाहिए उसे ये जेलों में डाल रहे हैं। कितने शरम की बात है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूँ, यदि बेटियों को आप न्याय नहीं दे सकते हो तो कुर्सी से उतर जाओ, कुर्सियाँ हैं तुम्हारे जनाजा नहीं। और अपने पुलिसकर्मी भाई से कहना चाहती हूँ, यदि आप और सरकार नहीं कर पा रहे हो तो ये हो सकता नहीं है उत्तराखंड की वर्दी पर दाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो वर्दी अपनी माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकती, उस व्यक्ति को वर्दी पहनने का कोई कोई हक नहीं है। मैं क्या कहूँ भैया, ये बोलने की क्या आवश्यकता है इसमें। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंची, जहां वो कोर्ट परिसर में फूट फूट कर रोने लगी और तभी सोनी देवी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। सरकार ने जानबूझ के आशुतोष नेगी जी के पीछे पड़ी थी, और अभिनव कुमार जैसे ही इन्होंने देहरादून उत्तराखंड का पद भार संभाला तो इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज़ उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा और इनके परिवारों का, किसी की जैसे आशू नेगी जी के घर का मैसेज का ट्रांसफ़र करना, और जो अवनीश और नवनीश की सिस्टर है मनीषा नेगी, इनका अभिनव द्वारा ट्रांसफ़र बुड़कुट करना, और आज देखो तुम अचानक इन्होंने जानबूझ के आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया। और अभी बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं और जज साहब यहां भी नहीं है, चौधरी जी भी नहीं है, और दूसरी मैडम थी, इन्होंने जानबूझ कर उनको अरेस्ट किया ताकि जो हमारी जो श्रीनगर पिपल चौरी में जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है उनमें आशुतोष नेगी न रहे और अनिश्चितकालीन धरना कमज़ोर पड़े। लेकिन कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है ना, हम तो अनिश्चितकालीन धरना इसके न कहें, हम तो अनिश्चितकालीन धरना हमारा है। और कल से मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से मेरी प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना है कि कल से वहाँ से अधिक लोग शामिल हों और अधिक से अधिक लोग मेरा समर्थन करें। आज तो नेगी जी को तब तक हमने बाहर नहीं किया, तब तक ये लड़ाई और जारी रहेगी। और मैंने विशेषकर आज ये देखा कि BJP की रैली श्रीनगर में निकल रही थी और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ थी और झंडा पकड़ी हुई थी और मोटरसाइकिल पे जा रही थी, पर लेकिन मैं जानबूझ के वहाँ पे सड़क पे खड़ा रहा, पीपल चौरी के सामने में जानबूझ के सड़क पे खड़ा रहा, और उन लड़कियों ने आंख उठा के तक मुझे नहीं देखा, क्योंकि वो शर्मिंदा है।
पर लेकिन वो उन लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी अंकिता भंडारी मेरी वापस नहीं आएगी, लड़ाई में तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और खुदा ना खासा कल जो है तुम्हारे साथ ये होनी घटना न घटे, ये बीजेपी वाले और आरएस के नेता, अरे धामी जी और अभिनव कुमार, अजय कुमार को गिरफ्तार करो ना, जो वीआईपी था उसके कॉल डिटेल निकाली जाए, उसकी लोकेशन निकाली जाए, और रेणु मिश्रा द्वारा जो रिजोर्ट तोड़ा गया, प्रमोद कुमार द्वारा जो रिजोर्ट तोड़ा गया, उनको गिरफ्तार करो ना, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो तुम? और एसआईटी कह रही है कि अंकिता भंडारी के माता पिता हमें वो दे, क्या बोलते उसको, सबूत दे। अरे सबूत हमने क्यों देना है? सबूत तुम रेणु मिश्रा ने, तू जो रिजोर्ट तोड़ा उस रेणु मिश्रा मांगो ना, तुम काहे के लिए एसआईटी की सरकार ने गठित किया, हमें बोले कि सबूत दो। वाह बे एसआईटी, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम ना, तुमने एक भी जवाब नहीं दिया सही ढंग से। पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने एससी एसटी एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, और न्यायालय के आदेशों के बाद 15 मार्च तक आशुतोष नेगी को रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ये एक हमारे पास एक व्यक्ति है राजा राजा कोहली, उसके द्वारा एक FIR थाना पौड़ी में पंजीकृत कराई गई थी 1/2023। इस मुकदमे में चार व्यक्ति नेम्ड थे, इसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का नाम आशुतोष है जो आपको पता है, आशुतोष नेगी, दूसरा है दीप मैठानी, दो की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC ST एक्ट में 504-506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जो ये मुकदमा है कोई भी चीज़ से, किसी भी तरह के किसी भी प्रकरण से जुड़ के ना देखा जाए। अंकिता हत्याकांड केस की शुरुआत में सरकार ने अंकिता के परिजनों से न्याय दिलाने का वादा किया था, किंतु आज की जमीनी हकीकत यह है कि अंकिता की मां सोनी देवी का कहना है कि उनका साथ देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, साथ ही वीआईपी को लेकर भी कोई जांच नहीं कर रही है। समा 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।